पीछे भौंक रहे हैं, शायद कुछ है पीछे, क्योंकि कुत्ते भौंक रहे ना पक्षी की। यहाँ पर तेरे पंख पड़े हुए हैं भाई, देख रहे हो? आप लोग खुद देखो यार, इतना भयंकर जंगल है सामने, तरफ पूरे कांटे कांटे बबूल के पेड़। गाइस ये बहुत गलत होता है कि मतलब बोलते हैं ना कि मैगी 2 मिनट में बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मतलब पूरी 2 मिनट में जोड़ो। सो हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी, और स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश ब्लॉग में। और मैं बोल भी नहीं पा रहा, मतलब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मतलब मन में जो आ रहा है वही बोल रहा हूँ। और गाइस आज संडे भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज चलते हैं हम लोग कहीं घूमने के लिए, मतलब ब्लॉग भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और काफ़ी दिन हो चुके हैं कि हम लोग कहीं गए भी नहीं है ब्लॉग में, तो आज चलते हैं। मैंने सोचा कुछ नहीं, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, फिलहाल खैर अभी तो रेडी फेडी होते हैं, नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। तो यस, तो पहले जाके नहाते हैं, और धूप काफ़ी तेज़ लग रही है मुँह पर। फिलहाल गाइज अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, और मैंने सोच लिया कि गाइज आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। हम लोग गाइज जाने वाले हैं फॉरेस्ट वर्क, मतलब जंगल, और उसमें कैंपिंग करेंगे जाके, और आज काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई साहब। मैंने मतलब एक दिन दिमाग में आया था कि जंगल चलते हैं, मतलब हमारे आगरा में ना सबसे खतरनाक जंगल है, मतलब कहा जाता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे जानवर भी रहते हैं, तो चलते हैं। अगर जो भी दिखता जानवर वो आपको दिखाते जाके। तो गाइज हम लोग साथ 4 लोग जाने वाले हैं, तो फटाक से पहले निकलते हैं घर से। A few moments later. Guys, अभी हम लोग निकल चुके हैं, मतलब जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना फॉरेस्ट में, तो हम लोग 4 लड़के जा रहे हैं, मतलब और भी लड़के जा रहे थे पर वो लोग बिजी थे इसके चक्कर में गए नहीं, और हम 4 लड़के ले जा रहे हैं। तो जो भी देखा जाएगा वहाँ पर, मतलब कहा जाता है कि वहाँ पर ना मतलब हिरन और शेर फिर रहते हैं, मतलब चीता वगैरह, तो देखते हैं गाइस पहले वहाँ पर पहुँचते हैं फिर मज़े लेते हैं। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं काठमांडू के फॉरेस्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग आगरा में ही हैं ये फॉरेस्ट। और पता है यहाँ पर ना मतलब कई सारे जानवर भी रहते हैं, वो आपको अंदर दिखाएंगे और अंदर की वाइब दिखाते हैं क्या क्या होता है अंदर, तो चलो चलते हैं अंदर। गाइस एक पोपट हो चुका है, पता क्या है मतलब यहाँ पर घर हैं इतने सारे, और जंगल यहाँ पर अभी नहीं है, तो हमें काफ़ी चलना पड़ेगा, उसके बाद जंगल आएगा। देखो जंगल अभी काफ़ी दूर है, और कोहरा सा तो मतलब दिख रहा है हल्का हल्का, ओस ही दिख रही है वहाँ पर, तो आपको सही से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, तो चलो चलते हैं थोड़ा और चलेंगे और आपको अच्छे से दिखाएंगे। अब देखो दिख रहा है मतलब पूरा जंगल दिख रहा है यहाँ से, देख रहे हो? और यहाँ पर तो काफ़ी सारे घर।
बंदे की ना फट रही है, ये बोल रहा है कि ऊपर नहीं जा रहे यहीं पर, मतलब कहाँ से देखो, मतलब जगह ही कहाँ यहाँ पर मैगी बनाने की, और यहाँ पर छोटे छोटे होल हो रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ की सांप ना आ जाए यहाँ पर। तो राजेश और भाई चारों तरफ जंगल में, ऊपर ही रास्ता कहाँ जाएंगे यार, ऊपर चलना है हम लोगों को। हम और नीचे आते जा रहे हैं पागल, हम लोग नीचे आ रहे हैं। अब बनाने के लिए टीले चाहिए नीचे, जैसे अब देख वो रहा एक टीला कहाँ पर है ब्रो, वहाँ पर जगह भी तो होनी चाहिए। अबे यहाँ देख ले, इधर कहीं देख ले। आ जाओ गाइस, हम लोग टीले पे अभी आए नहीं है, तो देखते कितना टाइम लगता है। और अब ना मुझे, और गाइस अब ना मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मतलब पहले थोड़ा डर लग रहा था नया में, और अब थोड़ा ठीक बहुत लग रहा है। तो आ जाओ, हम लोगों को ना ऊंचाई नहीं दिख रही, मतलब ऊंचा कोई पहाड़ दिख जाए ना वहीं पर चलते हैं, फिर वहीं पर आके मैगी बनाएंगे। और यहाँ पर सब लोग नीचे नीचे तो हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल जगह भी नहीं है मैगी बनाने की गाइस। गाइस आप लोग खुद देख सकते हो, मतलब देखो यहाँ पर किसी पक्षी की, हाँ देखो किसी पक्षी की यहाँ पर तेरे पंख पड़े हुए हैं भाई, देख रहे हो आप लोग खुद देखो यार, ये पक्षी के पंख हैं। अब यानी कि यहाँ पर ना थोड़ा खतरनाक एरिया स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर ना कुछ अब डर लग रहा है मुझे। अब देखो इतने सारे पड़े हुए हैं और वो भी रहे आगे, ध्यान से जाना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा ऊंचाई पे जा रहे हैं गाइस, वो ध्यान से, ओ शिट गाइस थोड़ा अच्छे से जाना पड़ेगा यार। चलो चलो ऊपर लगता चढ़ाई आ गई है, ध्यान से निकलना ब्रो, ठीक है ध्यान से। हाँ गाइज काफ़ी रिस्की एरिया यार ये, मुझे ना पूरा झुक के जाना पड़ रहा है गाइज। ऊपर से ये देख ले, हाँ चलो ऊपर चल रहे हैं गाइज। पीछे देखा था ना आप लोगों ने, मतलब पंछी के इतने सारे पंख पड़े हुए थे, आई डोंट नो कौन सा पक्षी था वो, पर यहाँ से ना बड़ा खतरनाक एरिया स्टार्ट हो चुका है गाइज, फट तो रही है। तो गाइज अभी हम लोग रुके ना पानी पीने जा रहे हैं, एक्चुअली क्या कि इतना चल रहे हैं तो बहुत प्यास लग रही है, तो सभी भाई को पानी पिलाते हैं। ओए इधर दे भाई पानी, मतलब पूरे देखो पसीने से पूरी बुरी हालत हो रही है, इतना चल के आए हम लोग अंदर, और हम लोग ना कुछ ज़्यादा ही अंदर आ चुके हैं, तो ये है कि हम लोग खो ना जाएँ, और खो गए होंगे ना तो ब्लॉग भी नहीं आएगा यहाँ। तो गाइस अब लोगों ने ना ये वाली जगह ढूंढी है, यहाँ पर देखो मतलब इस जगह गड्ढा करेंगे ना, इस जगह गड्ढा करेंगे और यहीं पर मैगी बना के खाएंगे। हम लोगों को तो बस यहाँ पर यही जगह मिली है, और तो पूरे में कांटे कांटे बबूली बबूल है, तो यही जगह अच्छी है, तो यहाँ पर बैठ के खाते हैं आराम से मैगी, मतलब पहले बनाएंगे गड्ढा खोदना पड़ेगा उसके लिए हम लोगों को। तो और देखो तो लकड़ी की मतलब यहीं पर है, लकड़ी की जुगाड़ भी यहीं पर है, सारी लकड़ी यहीं पर पड़ी हुई है, तो लकड़ी का कोई टेंशन नहीं है हम लोगों को, तो बस गड्ढा करना पड़ेगा। गड्ढा किससे करना है ये सोच रहे हैं, और यहाँ पर ना एक भी ईंट नहीं है, हम लोग ईंट रख सकते हैं, तो गड्ढा ही करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग लकड़ी ढूंढने हैं। तो देखो गाइस हम लोगों को यही जगह अच्छी लगी थी, यहाँ ज़्यादा बबूल भी नहीं है बीच में, तो ये जगह अच्छी लग रही है मुझे। तो गाइज हम लोग यहीं पर गड्ढा कर रहे हैं, और हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर गड्ढा करके फिर मैगी बनाएंगे। और मैं गड्ढा किससे कर रहा हूँ, चाकू से, हम लोग चाकू लेके आए थे, मतलब कैंपिंग का सारा सामान लेके आए थे, तो फटाफट पहले यहाँ पर गड्ढा करते हैं, उसके बाद आग फाग चलाएंगे, फिर मैगी बनाएंगे। भट्टी है भाई ये, भट्टी भट्टी बना रहे हैं हम लोग ना, ये कुछ सामान लेके आए थे, 3 यप्पी और 3 बोतल, तो और ये चम्मच, चम्मच बैग में रखी है अभी, तो फटाफट हम लोगों ने ना यहाँ पर आग लगा रहे हैं। लकड़ी और रखो ब्रो, अभी लकड़ी और रखो, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। गाइस देख रहे हो, मतलब ये है, मतलब ज़िंदगी ये होती है, मतलब जंगल में आके आप लोग मैगी पैगी खाओ और ऐसे ज़िंदगी जियो, काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस हम लोगों ने आज जला लिया यहाँ पर, देखो काफ़ी अच्छी आँच लग रही है, और हम लोग पहली बार मतलब जंगल में मैगी खा रहे हैं। गाइस काफी धुआं हो रहा है यहाँ पर, ओ शिट ये क्या कर रहे हो ब्रो, बहुत धुआं यार, जलने दो उसे। बिकी नजर आए अरे छे, चारों का
सचोतारम काफ़ी अच्छी है, मतलब हम लोगों ने इतनी मेहनत से बनाई है ना मैगी, कम से कम इसमें आधा घंटा लग गया होगा। सचोतारम काफ़ी अच्छी है, बता लो अंडे कैसी है। मज़ा आ गया। पता है हम लोगों ने ना इतनी मेहनत करी है आज के ब्लॉग में, पूछो मत। और जंगल में मैगी खा रहे हैं, पहली बार हम लोगों ने जंगल में मैगी खाई है, तो काफ़ी अच्छा करा है। तो गाइस फटाफट पहले मैगी खाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोगों ने मैगी खा ली है और काफ़ी मज़ा आया था हम लोगों को। तो अभी साफ सफाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ की, गंदा ना रहे। और हम लोग ना आँख पर पानी डाल देते हैं अभी, क्योंकि भाई सेफ्टी के लिए करना पड़ता है। ओ भाई देखो गाइस हम लोगों ने बिल्कुल मतलब कुछ कूड़ा फूड़ा सब कुछ भी लिया, अपने बैग में रख लिया है। तो गाइस आप लोग खुद देख लो, मतलब यहाँ पर हम लोग बिल्कुल कूड़ा नहीं फैला रहे। तो आप भी आना, कभी कूड़ा मत फैलाना आगे, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं रहता। तो अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो घर के लिए निकल रहे हैं अब यहाँ से। अब फिर से जंगल का हम लोग को ट्रैवल करना पड़ेगा। भाई लोग ध्यान से आना, एक हाथ में कैमरा पकड़ना पड़ता है और दूसरे हाथ में, पता है गाइस मेरे ना कटर लग चुके हैं काफ़ी हाथ में। गाइस पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं भाई साहब यहाँ से। अब हमारी फट रही है, सच बता रहा हूँ, मेरी फट रही है गाइस, सच बता रहा हूँ। पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं भाई। रास्ता ये तो यार, रास्ता कौन सी भाई, ये क्या ना भाई, जल्दी भाग लो, कुत्ते पीछे भौंक रहे हैं, शायद कुछ है पीछे, क्योंकि कुत्ते भौंक रहे हैं ना, मेरी फट रही है भाई। जल्दी आओ भाई, पीछे तैयार कोई आओ, जल्दी आओ भाई, सबको ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। कुत्ते भौंक रहे हैं ना, तो मेरी फट गई है, क्योंकि है ना पीछे कुछ होगा तभी कुत्ते भौंक रहे हैं। जल्दी निकल लो गाइस। तो फाइनली अब जाके हम लोग ना मतलब पहुंच चुके हैं, जंगल से बाहर आ चुके हैं। और सच बता रहा हूँ मेरी फट गई थी, मतलब हम लोग वहाँ कुत्ते भौंक रहे थे ना, मैं तो भाग भाग के आया, सच बता रहा हूँ। अभी हम लोग ना कुछ रास्ते जाएंगे, फिर से एक जंगल आएगा जो कि एक चढ़ाई से आती है, वहाँ से हम लोग फिर उतरेंगे, फिर घर जाएंगे। तो गाइज पहले अब घर पर पहुँचते हैं। फाइनली गाइज हम लोग घर पर पहुँच चुके थे, और मैं आया तो बस सीधे सो गया था आके, क्योंकि मेरे लेग्स में काफ़ी तेज पेन हो रहा था, और अभी भी हो रहा है, पर हल्की मतलब मैं दवाई खा ली थी फिर हल्का हो गया था। और पता है गाइज आज ना काफ़ी डर भी लगा था, एंड पर डर लगा था जब कुत्ते भौंक रहे थे तब। एक्चुअली क्या कि मैंने साइज में शूट भी नहीं कर पाया था, कुत्ते जब भौंके थे उसके बाद हम लोग भागना शुरू हुआ था, तब मैंने ब्लॉग शूट किया था, नहीं तो आपको आवाज़ भी दिखा था, मैं कुत्ते भौंक रहे थे, फिर हम लोग काफ़ी तेज भागे थे वहाँ से। तो यस, और आप लोग बता देना कि अगर कौन से चैलेंज हम लोग करने हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बनाना भी नहीं है मुझे। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, होप करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा, तो वैसे लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।